आज राज किचन रेसिपी बनाएंगे पनीर की सब्जी, पनीर मसाला बिना लहसुन और बिना प्याज के। आप प्याज और लहसुन वाला पनीर खाना भूल जाएंगे और दही भी नहीं डलेगा। तो एकदम सिंपल बनने वाला है, बिना दही, बिना प्याज, बिना लहसुन के ये मस्त मसालेदार पनीर की सब्जी, मसाला पनीर। और मजा ही आ जाएगा, एक बार मेरे तरीके से बनाओगे तो शानदार मजा आ जाएगा। तो ये 1 किलो पनीर है, 1 किलो नहीं बनाएंगे, कल इसके ब्रेड पकौड़े बना लेंगे आधे के। तो क्या करते हैं, इसमें से 500 ग्राम पनीर ले लेते हैं। ये 500 ग्राम हो गया, ये 500 ग्राम हो गया, और अब भी ये इसको इस वाले को ले लेते हैं और इसको काट लेते हैं। अब छोटे और बड़े साइज आप काट सकते हैं, मैं थोड़े छोटे काटूंगा, नहीं तो फिर क्या होगा, घर में होगी लड़ाई, क्योंकि जो पनीर छाट छाट के जिनको पहले मिलेगी वो खा जाएंगे। तो एक दिन पुराना हो गया है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा हार्ड हुआ है, पर बनेगा इतना जूसी और टेस्टी कि आप मुझे याद जरूर करोगे। ये लीजिए, अब यहाँ से इसे काट लेते हैं, यहां से काटते हैं। मैं थोड़े छोटे काट रहा हूं, आपके पास ज्यादा हो तो आप बड़े काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए क्या बात है, ये एक और ये दो, इस तरीके से देखिए कितने पीस हो गए, 4, 12 पीस हो गए। वाओ, इसी तरीके से फटाफट हम पनीर को काट लेते हैं और आपको आ जाने वाला आज मजा। एक बार मेरे तरीके से बिना लहसुन, बिना प्याज और बिना दही के ये पनीर की सब्जी जरूर बना के देखना। और जो लहसुन प्याज खाते हैं वो लहसुन प्याज डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये थोड़े और छोटे कट रहे हैं, ओहो क्या बात है, चाकू थोड़ा बड़ा है। ये लीजिए, इनको ऐसे रहने देते, थोड़ा सा अलग साइज दिखेगा ना, मजा आ जाएगा। चलिए काट लेते फटाफट पनीर को। ये देखिए दोस्तों, पनीर कट गया, क्या सुंदर सुशील लग रहा है। यहां पे चढ़ा दिया है चाइनीज पैन, और एक सामग्री डालेंगे लास्ट में या बीच में, तो वीडियो छोड़ के मत जाना, वरना आपकी बिना लहसुन और बिना दही वाली मजेदार नहीं बनेगी। यहां पर डालते हैं 3 से 4 चम्मच तेल, शुद्ध मूंगफली का तेल, गैस हाई फ्लेम पे करते हैं, तेल को हल्का सा गर्म होने देते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि काफी पतला है, चाइनीज पैन बहुत पतले आते हैं, बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं, चद्दर के बने होते हैं, चद्दर के, कौन सी चद्दर के होते हैं ये नहीं पता। ये देखिए हल्का सा तेल गर्म हो गया, अब ये लीजिए डाल देते हैं इसमें पनीर। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं डीप फ्राई नहीं करने वाला हूं, मैं इनको हल्का सा शैलो फ्राई करूंगा। सारा ही डाल देते हैं आप, और इसमें डालना है 8 से 10 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च, गैस करनी है लो फ्लेम पर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर कच्चा, भुना हुआ नहीं, कच्चा जीरा पाउडर, 2 लौंग और 10-12 काली मिर्च और 8 से 10 चुटकी हींग, थोड़ी ज्यादा भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी हल्दी 8 से 10 पिंच,
और ये जाएगा इसमें एक छोटा चम्मच नमक, थोड़ा सा पलट पलट कर लेते हैं। गैस को हाई फ्लेम पे करते हैं और हाई फ्लेम पर पूरा 3 से 4 मिनट इसे इस तरीके से पलट पलट कर करछी को सही से चलाएं। पनीर को तोड़ना नहीं हमें, हल्का वो टूटेगा क्योंकि काफी सॉफ्ट है। कर लेते हैं इसे फटाफट शैलो फ्राई। ये देखिए दोस्तों हाई फ्लेम पर हमने इसे कर लिया है। अब दो चारों तरफ से नहीं करें, ये देखिए एक तरफ से हो जाना चाहिए बस, और बाकी तीन किनारियां जो उसकी हैं, तीन लेयर है जो तीन साइड है वो वैसी रहनी चाहिए। अगर चारों तरफ से हो जाएगा तो सख्त हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, गैस को बंद करते हैं और इसे निकाल देते हैं इसमें। ये लीजिए चाइनीज पैन साफ हो गया है और ये देखिए जूसी जूसी पनीर भी तैयार हो गया है। अब तैयारी करते हैं, इसमें से जो लौंग है काली मिर्ची है वो निकाल लेंगे और साइड में रख लेंगे। और अब बताते हैं आपको क्या क्या मस्त सामग्री डालने वाली है इसको बिना लहसुन बिना प्याज और बिना दही के बनाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों बिना लहसुन और बिना प्याज और बिना दही के मसाला पनीर बनने वाला है और चाहिए हमें इतनी सारी सामग्री। बस इसमें लहसुन नहीं है, प्याज नहीं है और दही नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं लहसुन और बिना प्याज के और बिना लहसुन के बनाएंगे पर दही डाल देंगे तो वो भी नहीं डलेगा, फिर भी इतनी टेस्टी बनेगी और मजा ही आ जाएगा। और सीक्रेट सामग्री एक थी ना दो हो गई हैं, तो एक तो मैं अभी अभी बताने वाला हूं आपको जस्टली और एक लास्ट में डालेंगे, उसके बिना मजा नहीं आएगा। और जो फर्स्ट वाली है उसके बिना भी मजा नहीं आएगा, स्वाद और फ्लेवर तो वही दो सीक्रेट सामग्री बनाने वाली है, बाकी सब आपको मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पर हम हल्दी वैसे पनीर में डाल चुके हैं, पनीर हमारा हल्का पीला हो गया है तो इतनी हल्दी लेंगे इतनी सी बस 8 से 10 मिर्च। 3 ये बड़े साइज की हरी मिर्ची लेंगे, तीनों तीखी है, पनीर थोड़ा मीठा होता है इसलिए अगर आप तीखा नहीं खाते हो, मैं थोड़ा स्पाइसी खाता हूँ, तो आप इसमें से एक हरी मिर्ची हटा सकते हैं या चाहें तो दो हटा सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर यहाँ आपने 2 लाल मिर्च बॉयल करी है कश्मीरी वाली, 2 लाल मिर्च बॉयल कर ली है कश्मीरी वाली। ये देखिए लौंग और काली मिर्ची निकाल ली है सारी उसमें से पनीर में से। यहाँ पर हींग चिया में 1 छोटा चम्मच, ये ज़्यादा है, ज़्यादा निकाल दिया कैमरामैन में। और ये यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच जीरा, यहाँ पर चाहिए 6 मीडियम साइज के टमाटर, छिलका इनका निकाल दिया है और जितना बीज निकल सका उतना निकाल दिया क्योंकि बीज और छिलका एसिडिटी करते हैं, फिर पकने में भी दिक्कत होती है, वैसे भी हम इसे पीसने वाले हैं। और ये रहा बीज, छिलका हमने फेंक दिया है। काला नमक लेंगे चटकारे के लिए 1 छोटा चम्मच, नॉर्मल वाला नमक लेंगे स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच। उसके बाद में यहाँ काजू लेंगे 10-12, 3 तेज पत्ते लेंगे और यहाँ पर अदरक लेंगे 2 इंच, धनिया पाउडर लेंगे 1 काफ़ी बड़ा चम्मच, ये देखिए इतना। और उसके बाद यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे 1 काफ़ी बड़ा चम्मच और तीखी वाली लाल मिर्च लेंगे 1 बिल्कुल छोटा चम्मच। और ये रही इसमें सीक्रेट सामग्री। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, काजू हटाते हैं और एक छोटा मिक्सी का जार ले लेते हैं, उसमें क्या करेंगे हम, उसमें ये अदरक है ना जो, इसको थोड़ा पीस करके डाल देंगे तो अच्छे से पिस जाएगा। ये देखिए इस तरीके से पीस कर लेते हैं, क्या बात है, ये खुशबू देगा, अरोमा देगा, फ्लेवर देगा और हेल्दी भी होता है, काफी हेल्दी होता है। अरे यार कट जाए यार, इसमें रेशे होते हैं ना किस जिस अदरक में वो बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। सीधा सिंपल इसमें 2 ये लाल मिर्च डाल देंगे, उसके बाद इसी में ये लौंग और काली मिर्च डाल देंगे, इसमें अब ये 3 जो हरी मिर्ची ली है हमने धोकर ये काट के डाल देंगे इस तरीके से। भाई डंठल नहीं डालना यार, डंठल हटा दो, काट लेते फटाफट, बहुत ही बढ़िया शानदार मजा आने वाला आज। पनीर तो घर में कोई नहीं छोड़ता है, बिना लहसुन प्याज का हो चाहे कैसे भी हो, पनीर कोई नहीं छोड़ता है, पनीर और मशरूम ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो घर में इसकी वजह से लड़ाई होती है, क्योंकि जिसको पहले मिलता है खाने के लिए वो क्या करता है, बस सल्टा देता है। और एक ये सीक्रेट सामग्री बोल रही मैं नहीं डालूंगी, ये
पुदीने के पत्ते करीब करीब 25 से 30 ग्राम, ज़्यादा नहीं ले लें वरना इसी इसी का स्वाद आएगा रेसिपी में, 25 से 30 ग्राम ही लेने। और कोशिश करें तो 50 पत्ते, बड़े बड़े ऐसे 50 पत्ते ये इसमें डाल देते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शानदार। और अब इसे पीस लेते हैं। अगर पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो पानी की रिक्वायरमेंट खत्म करने के लिए क्या करते हैं, ये जो टमाटर का रस बचा है ना ये डाल देते हैं इसमें। अब आपको सामग्री बता दिए तो आप भाग मत जाना वीडियो छोड़ के, क्योंकि अभी इसको बनाने का भी तरीका है, वो नहीं सीखोगे तो फिर बिना लहसुन और बिना प्याज और बिना दही की आपकी पनीर की सब्जी मजा नहीं आएगा और जूसी भी नहीं बनेगा आपका जो पनीर महाराज है। चलिए अब इसे पीस लेते हैं फटाफट, इसे भी पीस लेंगे और एक काम और कर लेते हैं साथ में। यहाँ पर एक बड़ा मिक्सी का जार लेते हैं। ओहो इसमें क्या है, ओ भाई साहब बाल फंस गया इसमें, ओहो हो क्या बात है। चलिए निकाल दिया है, अब इसमें डाल देते हैं, हाँ पता होगा आपको, टमाटर और हींग, बोला था ना ज्यादा इतनी डालेंगे बस। और हम रेखा जू और इसको भी पीस लेंगे फटाफट। ये टमाटर पिस गए और ये देखिए ये पिस गया। देखिए अब टमाटर कैसे पीसने, देख लीजिए आप टमाटर और काजू देख लीजिए, ये देखिए। उसके बाद में ये भी देखिए आपको कैसे पीसना है, ये देखिए बिल्कुल हल्का सा दरदरा हल्का सा। यहाँ पे सुंदर और सुशील वाली कढ़ाई चढ़ा दिए, क्या करेंगे, अरे पनीर फ्राई करा था ना इसमें से निकला है तेल, ये डाल देंगे। और टू ऑयली वाले ये बूंद डाल सकते हैं, मैं दो चम्मच तेल और डाल रहा हूं फ्रेश। मसालेदार बनने वाली है, लहसुन प्याज जाने वाला नहीं है तो इतना तेल लगेगा लगेगा। सीधा सबसे पहले हम गैस को हाई फ्लेम पे कर देते हैं और इसमें तेज पत्ते डाल देते हैं, अभी तेल गर्म नहीं हुआ है तो भी डाल देते हैं, तो ये तेज पत्ते जैसे तड़केंगे ना तो पता लग जाएगा कि तेल गर्म हो गया है। ये देखिए तेल गर्म हो गया, जलने लग गया है जो इसके अंदर मसाला था जीरा। गैस लो फ्लेम पर बिल्कुल हल्का सा तड़का लगाएंगे, जीरे को जलाना नहीं है हमें, बाकी मसाले जल गए हैं। देखिए इसमें मिर्च थी जो हल्दी थी वो देखिए किनारी पे जल गई है, बस ये देखिएगा सीधा सिंपल। ये पुदीना और क्या क्या था दोस्तों इसमें, अरे अभी तो गिर जाती पुदीना था, अदरक था, लाल मिर्च थी और क्या क्या था बाकी आप बताओ। गैस को हाई फ्लेम पे करते हैं, थोड़ा सा ऐसे चलाते हैं और ये देखिए यहाँ पर इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी और ये देखिए ढक्कन में भी है हिसाब और इसको साफ कर लेंगे डाल देंगे। मिलाएंगे गैस करेंगे लो फ्लेम पर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, ये काम करेगा लहसुन और प्याज का जो पेस्ट होता है ना और दही का भी काम, मतलब ग्रेवी को गाढ़ी करेगा। बिल्कुल एक छोटा चम्मच काला नमक और बिल्कुल एक छोटा चम्मच या आधा चम्मच सी सॉल्ट ये लीजिए। उसके बाद 8 से 10 पिंच हल्दी, एक बड़ा चम्मच डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, 5% तीखी होती है बस ज्यादा नहीं होती है, और एक छोटा चम्मच डाल देंगे इसके अंदर तीखी वाली लाल मिर्च और
मिला लेंगे। ये देखिए मिला लिया। सीधा सिंपल टमाटर और काजू का पेस्ट। ये लीजिए, इसको भी साफ करना है तो इसमें भी डाल दे थोड़ा सा पानी 100 ml के आसपास। ढक्कन में भी काफी मामला है, इसे भी साफ कर लेते हैं। ये लीजिए ढक्कन साफ, ये साफ और ये इधर। गैस को करते हैं हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर कितना, सिर्फ 2 से 3 मिनट चलाएंगे इसे, 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर। ये देखिए 3 मिनट हाई फ्लेम पर जैसे ही चला लेंगे ना तो क्या होगा, लात मारने लग जाएगी ग्रेवी। गैस को करते हैं यहां पर लो फ्लेम पर और थोड़ा सा हरा धनिया यहां डाल देते पहले, और अब पनीर डाल देते इसमें। पनीर डाल दिया है, क्या करना है दोस्तों, मिलाना है और क्या करना है। कलर देखिए बिना लहसुन और बिना प्याज के, हाय हाय। अब थोड़ा सा जूसी बनना चाहिए तो मेरे को ये देखिए ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। आप चाहे तो ऐसा खा सकते हैं पर मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा, 50 ml किनारियों पे लगने वाली नहीं है, फिर भी डाल देंगे। और अब ये लीजिए लो फ्लेम पर 2 मिनट के से 3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। लो फ्लेम पर गैस है, 3 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा लेते हैं और चलिए ये कलर दिखा दो आप किसी को और उसे ये कहो कि इसमें लहसुन नहीं है, प्याज नहीं है, दही नहीं है, क्रीम भी नहीं है, क्या लगता है वो ये आपको बोलेगा क्या कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बोलेगा जरूर। चलिए आप ऐसे भी खा सकते हैं। अब लास्ट में हमारी एक सामग्री डालते हैं, वो है क्रीम, फ्रेश क्रीम। 4 से 5 चम्मच क्रीम डालते हैं इस तरीके से, 1, 2, 3, 4 और ये 5। चलिए एक और बढ़ा देते हैं, ये लीजिए 6 चम्मच ये वाली, देखिए कितनी इतनी मिला लेते हैं। आय हाय क्या बात है। अब देखिए दोस्तों अगर नहीं उंगलियां चाट जाए, और पनीर तो इतना मस्त जूसी हो गया है, चलिए आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं आपको थोड़ा सा काट के दिखा देता हूं। ये देखिए, देखिए क्या सॉफ्ट एकदम, ये लीजिए हो गया। चलिए गैस को हाई फ्लेम पे करते हैं। अब बाकी बचा हुआ 25 से 30 ग्राम बारीक कटा हुआ धनिया, ये लीजिए, ये बिना लहसुन बिना प्याज और दही की मस्त मसालेदार पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। लहसुन प्याज खाना आप छोड़ दोगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। और जो क्रीम लास्ट में डाली है तो अगर कहीं भी मिर्च ज्यादा हो गई हो, जैसे हरी मिर्ची बहुत ज्यादा तीखी हो, आपने नहीं पकाई हो अच्छे से, या जो कश्मीरी डाली हो कश्मीरी की जगह तीखी निकल गई है, ठीक है, और तीखी वाली लाल मिर्च हमने बिल्कुल 1 छोटा चम्मच डाली है, कश्मीरी 5% तीखी होती है, तो जो क्रीम है ना वो सारी चीजें बैलेंस कर देगी और एक क्रीमीनेस सा स्वाद आएगा और ऐसा लगेगा बटर पनीर मसाला खा रहे हैं। तो फ्रेंड दोस्तों रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए। मेरे चैनल पर अभी का भी रेसिपी उन्हें देखिए, बनाइए, खिलाइए और तारीफ पाइए, क्योंकि जो मजा खिलाने का है वो खाने का नहीं है। और क्रीम डालने के बाद में जो लाल कलर था वो गायब हो जाएगा, पर इसे ढक के रखेंगे ना 5 मिनट तो और मजा आ जाएगा गैस बंद करने के बाद। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए जो बनाइए मस्त बिना लहसुन और बिना प्याज और बिना दही की मसालेदार पनीर की सब्जी, उसे खाकर खत्म करते हैं तंदूरी नान के साथ।